स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू कम्प्लीट रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड हियर सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन इज द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम. फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड. स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम. दैट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम है. होप नाम है इसका, एच ओ पी होप. और हमें इसमें एक्स वाई एंड जेड जो एंगल्स हैं इनका एंगल्स मेजर हैं, तो इनको हमें फाइंड करना है. और प्रॉपर्टीज जो भी हमने यूज़ की है वो भी हमें यहाँ पर बतानी है. तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमें पता है कि ये 40 जो है और y जो है ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो अगर ये वाला 40 है तो हमारा y क्या हो जाएगा, 40. सबसे फर्स्ट हमारा ये प्रॉपर्टीज हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कि y की वैल्यू आ गई हमारी 40. अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल हमने लास्ट सम्स में देखा था कि अगर टू लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर देती है तो जो भी एंगल्स उन लाइन पर बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो पैरेलल लाइन्स हमारी जा रही थी और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन ने इनको कट किया, तो जो एंगल बन रहे हैं एक ये एच वाला पूरा एंगल और ओ वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या है हमारे, इक्वल है. तो अगर ये वाला 70 है तो ये पूरा भी हमारा क्या होना चाहिए, 70. अब ये हमारा 40 है, दैट मीन्स जेड क्या हो जाएगा हमारा, 30. तो 40 प्लस 30 हमारा 70 हो जाएगा और ये 70, तो ये हमारा इक्वल्स हो जाएंगे. तो इसका मतलब जेड की वैल्यू हमारी क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल से 30 आ जाएगी. जेड की हमारी 30 आ जाएगी, वाई की हमारी अभी 40 अल्टरनेट से आ ही चुकी है. अब हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू. अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री होता है. एडजेसेंट मतलब जो वन लाइन पर बनते हैं, तो ये वन लाइन पर एक्स और ये वाला एंगल पूरा बन रहा है. अभी हमने इसकी एच वाले की पूरी वैल्यू फाइंड की थी कि 70 थी इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग एंगल से. तो अगर ये वाला 70 है दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 110 आ जाएगी. तो इसको हम एक बार देख लेते हैं पूरा सॉल्यूशन. यहाँ पर y की वैल्यू 40 आ गई है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. यहाँ पर अभी हमने देख लिया ये y की वैल्यू, ये वाले y की वैल्यू अल्टरनेट से आ गई. फिर इसके बाद में हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे ये इस वाले z की वैल्यू आ गई. कितनी आ गई इसकी, 30 आ गई. ये आ गई z की वैल्यू हमारी, 30 आ गई. फिर एडजेसेंट पेयर एंगल से, ये एडजेसेंट पेयर से x और इन दोनों की वैल्यू 180 हो रही थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई, यहाँ पर 110 डिग्री आ गई. तो हमारे तीनों की वैल्यूज हो गई सेटिस्फाई. नाउ नेक्स्ट हमारा है एट्थ वाला क्वेश्चन. द फॉलोइंग फिगर्स गर्न्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स. फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ आर इन सेंटीमीटर. ये दोनों जो हमें फिगर दिए हुए हैं, एक है गन्स है, जी यू एन एस गन्स, और दूसरा आर यू एन एस रन्स है. तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें पता है सबसे पहले प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है. तो अब हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ये दोनों ये इक्वल है, ये वाली दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है. तो इसी के बेस पर हमें शो फाइंड करना है वैल्यू. ये वाली हमें दोनों साइड्स पता है कि क्या है हमारी, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है. तो 3x किसके इक्वल है, दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 18. 3x अगर 18 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 3. ये 3 मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोज होकर डिवाइड में हो गया. 3 × 3 = 18. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6. x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू आ गई. अब हमें पता है ये वाली साइड्स भी क्या है, अपोजिट, ये अपोजिट साइड्स भी क्या है, ये दोनों इक्वल और पैरेलल है. तो इक्वल है तो हमारा 26 किसके इक्वल है, 3y-1 के इक्वल है. तो अब यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, 3y एज इट इज़ यहीं रहेगा, 26 एज इट इज़ रहेगा, ये -1 यहाँ पर आकर +1. तो 26 प्लस 1 दैट इज 27 एंड 3y एज इट इज़. y की वैल्यू फाइंड करनी है, 27 डिवाइडेड बाय 3, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड हो गया. 3 × 3 = 3, 9 × 27. दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 9. x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 9 आएगी. कौन से फिगर में, फर्स्ट वाले फिगर में, ये जो गन दिया हुआ है. अब सेकेंड हमारा रन्स है, इसमें देखना है.
अब इसमें भी क्या है, अब इसमें साइड से नहीं है, इसमें हमें दिख रहा है कि ये डायगोनल्स, डायगोनल्स के हिसाब से हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का इक्वल है इसके और यहाँ से यहाँ तक का इक्वल है इसके, ये पार्ट्स जो है आपस में इक्वल है। तो अभी हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये वाला अगर हम ले लेते तो हम चाहे तो यहाँ पर ओ पुट कर देते हैं ताकि हमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए फाइंड करने में। तो यहाँ पर एस ओ जो है वो किसके इक्वल है, ओ यू के। तो वी नो दैट एस ओ इज इक्वल्स टू ओ यू। तो एस ओ की वैल्यू क्या दी हुई है, 20 दी हुई है। ओ यू की वैल्यू क्या दी है, वाई प्लस 7 दी हुई है। तो वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 20 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 7 जो है प्लस में, तो यहाँ का हो जाएगा माइनस में। तो वाई इज इक्वल्स टू 13। वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पर 13 आ गई। नेक्स्ट अब यहाँ से देखिए हम आर ओ किसके इक्वल होगा, ओ एन के। तो आर ओ इज इक्वल्स टू ओ एन। आर ओ की वैल्यू क्या दी हुई है, 16 दी हुई है। ओ एन की वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस वाई। अब वाई की वैल्यू हमें पता थी 13 है, एक्स की वैल्यू वी हैव टू फाइंड एंड 16 एज इट इज़। यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 13 प्लस में, तो यहाँ पर आकर 13 माइनस में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमारी 3 आ गई, 16 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे दोनों सम्स हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें बोला गया है कि इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या मतलब है इसका, कि ये जो आर आई एस के, रिस्क क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, और सी एल यू ई क्लू, ये दोनों क्या है, एक एक पैरेललोग्राम है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है बस हमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा, बट हमें होना नहीं है। और हमें बोला है कि हमें यहाँ पे ये जो एक्स एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जो जो प्रॉपर्टीज़ पता है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, तो ये अगर क्या है हमारा 120 है, ये वाला अगर हमारा 120 है, तो अगर हम इस किस फिगर में देखें, ये वाले में देखते हैं, अगर हम रिस्क वाले में, हम एक बार ऐसे करके अलग से बना लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ये रिस्क वाले में, ये वाला क्या है हमारा 120 है, ये के आर आई और एस। अब रिस्क वाले में अगर देखा जाए तो हमारा क्या है एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट में ये वाले दोनों भी हम ले सकते हैं और ये दोनों भी ले सकते हैं, मतलब वन लाइन पे बनने चाहिए। तब इन दोनों को ले लेते हैं कि के और एस का जो सम है, के प्लस एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा एडजेसेंट एंगल से। तो अगर ये वाला 120 है तो ये 60 होना चाहिए। तो के की वैल्यू दी है 120, एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 180 माइनस 120 दैट मीन्स 60। तो एस की वैल्यू हमारी 60 आ गई, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया कि एस की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। अब ये वाली हमारी वैल्यू फाइंड होगी। हम यहीं पे क्यों डायरेक्ट आए इस वाले पे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है। तो अगर इन दोनों का जो एंगल है वो हमें पता चल जाए तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम क्लू वाले पे आ जाते हैं। ऐसा जो हमारा एक क्लू बना हुआ है सी एल यू ई। अब क्लू में अगर यहाँ पर 70 है तो अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो अगर ये वाला 70 है तो ये ई वाला क्या हो गया हमारा, ये भी 70 हो गया बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो अब ये वाला 70 और ये वाला अगर हमारा 60 है तो ये वैसे क्या बन रहा है, एक हमारा ट्राइंगल है। और हमें पता है कि ट्राइंगल का एंगल सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल का जो एंगल सम होता है वो हमें पता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल इसमें 70 डिग्री का, एक अगर 60 का है, तो तीसरा एक्स हमें फाइंड करना है। तो ये दोनों को प्लस किया तो हमारा हो गया 130 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 130 दैट मीन्स 50 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी 50 डिग्री का x वाला जो हमारा एंगल आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ये वाले के लिए बोला गया है, ये 3.32 ये वाला जो फिगर है, ये बोला गया है कि ये एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे। तो पहले ट्रेपेजियम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और एटलीस्ट वन पेयर, एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम उसका एक पेयर जो होता है साइड्स का वो पैरेलल होना चाहिए, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ये जो NM दिख रहा है और KL दिख रहा है, ये दोनों क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल मतलब कि जो कभी मिलती नहीं है, तो ये हमेशा ऐसे सीधे जाएगी, ये सीधे जाएगी, तो ये कभी मिलेंगी नहीं एक दूसरे से। तो ये ट्रेपेजियम है तो सही, बट हमें अब इसे एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम,
If a transversal line is intersecting two given lines such that the sum of the measure of the angle on the same sides of transversal is 180, then the given two lines will be parallel to each other. Parallel होने के लिए ये क्या होता है, property होती है कि अगर two transversal, कि अगर क्या है, एक transversal line जो है वो intersect कर रही है two lines को, जैसे two lines जा रही हैं उनको एक transversal line intersect कर रही है और angle जो उन दोनों पे angles बन रहे हैं उनका sum अगर 180 degree होता है तो वो दोनों क्या होती हैं, parallel होती है एक दूसरे के. जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं जो हमें डायग्राम दिया गया है उसमें ये ऐसा डायग्राम था, तो ये दोनों लाइन्स जा रही थी, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने इंटरसेक्ट किया और ये जो सम हो रहा है वो 180 हो रहा है. दैट मीन्स ये दोनों लाइन कंफर्म है कि ये दोनों पैरेलल हैं पहला. और अगर एस क्वाड्रिलेटरल जो के एल एम एन दिया हुआ है हैज़ अ पैरेलल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, इसमें अगर पेयर है अगर पैरेलल लाइन का, दैट मीन्स वो क्या है, ट्रेपेजियम है. तो मतलब हमें कन्फर्म हो गया कि ये एक ट्रेपेजियम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी. मेजर एंगल हमें ये वाला कौन सा है, 3.33 वाला. ये वाले फिगर में बोला गया है कि इफ ए बी पैरेलल टू डी सी, अगर ये ए बी है ये पैरेलल है डी सी के, तो हमें बताना है कि सी का ये जो एंगल है, सी जो एंगल है वो उसका मेजर हमें बताना है कि ये कितना है. तो हमें पता है कि ये जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये दोनों पैरेलल है. पैरेलल होती है और इंटरसेक्ट कोई लाइन करती है तो एंगल सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. इसका मतलब 120 और यहाँ पर जो सी है, मतलब बी और सी को प्लस करने पर 180 बनना चाहिए, तो 180 बनना चाहिए. तो यह 120 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा. तो दोनों 180 बन जाएंगे. मतलब हमें क्या करना है, 180 में से बस 120 को माइनस करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस. हमें पी और एंगल एस दोनों को क्या करना है, फाइंड करना है इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू. एस पी और ये पैरेलल जो है दोनों है, एस पी और आर क्यू जो है वो दोनों का पैरेलल है. 3.34 फिगर की बात की जा रही हो गया. और फिर एक और बात बोलिए, इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, अगर आप इस आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी. अगर हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास एक और है तरीका फाइंड करने का, बट पहले हम जो बेसिक है वो तो हमारा देख लें. हमें क्या बोला गया है कि ये दोनों लाइन्स जो है वो पैरेलल हैं. ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो हमें किसका बताना है, पी और एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब हमें पता है अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, उनको कट करती है, तो हमें पता है कि जो उन पे एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए. तो ये जो है दोनों पैरेलल लाइंस थी तो इनको ये वाली लाइन ने क्या किया, कट किया, आकर इंटरसेक्ट किया है. तो हमें पता है कि R और S की दोनों की वैल्यू अगर हम क्या करें, R और S को प्लस करें तो 180 डिग्री बनना चाहिए. और R हमें दिया हुआ है 90 है, दैट मीन्स S भी कितना हो जाएगा, 90. तो हमें पता चल गया कि ये वाला S जो है वो हमारा 90 है. ऐसे ही अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनको इंटरसेक्ट किया है QP ने, तो 130 और यहाँ पर जो P है इन दोनों को प्लस करने पर भी हमारा 180 होना चाहिए. तो अगर ये 130 है तो हमारी P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी. तो दोनों का 180 सम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 90 आ जाएगा और ये 50 आ गया. ये हमारी जो कॉमन मेथड है, ये जो हमारी किसकी ट्रेपेजियम की होती है, तो उससे हमने कर लिया. अब हमें बोला गया है कि इसके अलावा कोई सी मेथड अगर है क्या दूसरी, तो हम इसके अलावा क्या है मेथड, तो यस देयर इज़ ओवर मोर मेथड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, बिकॉज एंगल क्यू एंड एंगल आर आर गिवन. क्योंकि हमें पता है कि एंगल क्यू और आर जो है वो हमें गिवन दिए हुए हैं. सो बाय एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी कैन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी. अगर हमें ये दो एंगल्स तो पता ही है. अब अगर हम अभी ट्रेपेजियम से अगर हमने क्या किया, फाइंड कर लिया एस का. ट्रेपेजियम से अगर हमें पता है कि इंटरसेक्ट कोई लाइन करती है तो 180 डिग्री बनता है. तो R की वैल्यू अगर 90 है तो S की वैल्यू हमारी 90 आ गई. तो हमें तीन एंगल अगर पता है तो हम क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 होता है, तो भी हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ऐसे करके हम दूसरी मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो भी हमें वहाँ पर याद आए हमारे जो आंसर्स हैं वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका 3.3 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 कंप्लीट करेंगे और फिर आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, थैंक यू.